यार बट एक चीज मुझे बताओ, ये 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा वाला सिस्टम तो अप्लाई है ना, तो ये 60 किलोमीटर कहाँ चले? अभी तो हम चले ही कुल 86 किलोमीटर रहते हैं, हमारे 3 टोल कट गए। हेलो जी, हेलो, क्या हाल है भाई सबके? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। भाई चेहरे के एक्सप्रेशन से आप समझ रहे होंगे आज अपन निकल रहे हैं ट्रिप पे। ट्रिप मतलब एक कहें तो सोलो ट्रिप है अपना, देख लीजिए आप सब देख सकते हैं। गाड़ी पूरी खाली है, अपन सोलो ही ट्रैवल कर रहे हैं आज। और आज अपन कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं वीडियो में, आगे चलिए। बहुत ही मस्त जगह है, मतलब एक चलो हिंट दे देता हूँ आपको, हम जहाँ जा रहे हैं वो है वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। जी हाँ, मतलब बहुत ही मतलब शानदार जगह, पीसफुल जगह है। बड़े मेरे का बहुत टाइम हो गया था सोलो ट्रैवल करे हुए, मतलब सोलो मैंने बहुत ही कम ट्रैवल करा है, इसलिए मैंने सोचा इस बार चलो एक बार सोलो ट्रैवल करके देखा जाए कैसा क्या लगता है। तो चलिए आप भी बने रहिए हमारी जर्नी में, बहुत ही शानदार मजा आने वाला है, चलिए चलते हैं भाई। क्योंकि लोगों को सोलो ट्रिप करते हुए देखा तो बहुत था बट कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा था मैंने, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कहा इस बार यदि करके देखते हैं, यदि मजा आया तो भाई सोलो ट्रिप आपको इस चैनल पे कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है, और इतना शानदार मजा आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप बस कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को कंटिन्यू देखना है पूरा, बहुत ही शानदार। और हाँ एक चीज़ बता दूँ आपको मैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो आपको मतलब इससे क्या बोरियत फील नहीं होगी और काफी मस्त मजा आने वाला है आपको यूट्यूब में। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। ट्रिप मीटर अपन ने कर लिया 0, जस्ट 1 किलोमीटर चले तो फिर तुरंत याद आया कि यार ट्रिप मीटर तो अपन ने 0 ही नहीं करा, तो चलिए ट्रिप मीटर 0 कर लिया। अब बस बुधनी आने वाला है, वहां से हम फ्यूल टॉप अप करवाते हैं और चलते हैं सीधे अपनी लोकेशन की तरफ। तो गाइस अभी इस नर्मदा ब्रिज पे चल रहे हैं अपन, ये हमारे होशंगाबाद और बुधनी के बीच को कनेक्ट करता है। और इस ब्रिज पे आप देखिए पुल कितने सारे, एक तो वो नया बन रहा है अभी, एक ये है ही, उधर पे 3 ब्रिज ट्रेन के भी हैं, मतलब यहाँ पे मतलब होशंगाबाद वाले एरिया में सबसे ज्यादा नर्मदा के ब्रिज है मतलब जहाँ तक मुझे नॉलेज है। बाकी आपको कुछ मालूम हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, क्योंकि ये नदी गुजरात तक जाती है। एंड हाँ अभी हमारा कुछ गुजरात का ही प्लान बन रहा है, जो कि आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जिसकी जो भी रूपरेखा होगी बता दिया जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं आगे, बुधनी आने वाला है हमारा, चलिए। तो गाइज अब अपन आ चुके हैं मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उनके एरिया में, यानी कि बुधनी में। तो जस्ट जोक्स अपार्ट, गाइज बुधनी का ट्रैफिक बस अपने को ना मिले यार, यदि ये ट्रैफिक नहीं मिला ना इतना मस्त एवरेज स्पीड अपना कवर होगा। और लो नाम लिया शैतान का और शैतान हाजिर, ये लो ट्रैफिक भी मिल गया भाई। चलो उसको क्रॉस करते फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट नेशनल हाईवे पर। अब अपन आ चुके हैं नेशनल हाईवे 46 पे। तो इसी हाईवे पे हमें रहना है अप्रॉक्स 78 किलोमीटर के आसपास, 60-70 किलोमीटर के आसपास, फिर हम राइट साइड कट जाएंगे टुवर्ड्स रायसेन रोड पे। तो चलिए चलते हैं, ये हाईवे अभी तो बहुत सही है बट आगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस रोड पे, देखते कितना के कम्प्लीट हुआ है, फिर चलते हैं आगे साइड चलते हैं। ये रोड काफी सुंदर है भाई, मतलब देखो दो ही साइड से मतलब जंगल से घिरी हुई है, और बीच में अभी ये 4 लेन नया नया ही बना है, इसलिए यहाँ की रोड्स तो वैसे काफी शानदार है। बट हाँ यदि इस रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है, जो कि है यहाँ पे गाय बैल। अभी पीछे बहुत मतलब उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था मेरा, बहुत सारे गाय बैल के यहाँ पे रोड पे बैठे रहते हैं। तो इस रोड पे आप यदि ट्रैवल करो तो आप बिल्कुल स्पीड ये 80 की स्पीड लिमिट लिखी है, बट मैं तो बोलूँगा कि आप भाई 80 से कम ही चलो यहाँ पे, क्योंकि कब कौन सा जानवर बीच में आ जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जितनी आप स्पीड कंट्रोल में रहोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे देखो, इसी रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा था भाई पहले मैं आपको, ये रोड क्या अभी थोड़ा सा जंगल के बीच का एरिया है, तो यहाँ पे हाईवे बनने का काम अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए दो ही साइड का ट्रैफिक एक साइड ही उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। तो चलिए अगर चलते हैं, थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है ये छोटा सा एक, फिर उसके बाद सब वापस से हाईवे आ जाएगा।
कि आप गाड़ी कितनी ही अच्छी क्यों ना चला रहे हो, मतलब भले कितनी एवरेज स्पीड में क्यों ना चला रहे हो, पर यहाँ पे आके पूरा एवरेज में आपका खराब हो जाता है। क्योंकि भाई एक तो रोड ही बिल्कुल गड़बड़ खराब बन रही है, और ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है इस रोड पर, तो जो दिक्कत है अभी अब तक बन नहीं जाती। तो चलिए यार क्या कर सकते हैं, अपन इसी रोड पर ही चलना है, थोड़ा सा और बचा फिर फोर लेन वापस आ जाएगा। देख रहे हो कितनी खतरनाक है अपनी, अरे जिस दिन जल्दी पहुंचना उसी दिन जाम लग गया था। अरे यार चलो सही है भाई, कोई इशू नहीं है, लगा है तो लगा है, कुछ कर सकते नहीं है अपन, है ना, कुछ जैसे इन जैसे साइड से कुछ जाते हैं बाइक वाले। तो चलो अगर कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे चलते हैं। गड़बड़ रोड भाई, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ रोड है अभी तो। अभी तो भाई मतलब जब तक फोर लेन नहीं बन जाता ना, तब तक बहुत ही ज्यादा दिक्कत है यार इस रोड, मतलब उठा पटा भी बहुत, तो रास्ता पता नहीं कैसे जाम भी लग गया था यहाँ पे। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, 10 से 10-15 मिनट में अपना फोर लेन आने ही वाला है। ये आ गया अपना वापस से फोर लेन, अब कम से कम अपन थोड़ा सा एवरेज मेंटेन कर पाएंगे ज़्यादा के रोड। अब यहाँ की तो अच्छी रोड, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब चलिए चलते हैं। सो गाइस ये अब्दुल लगन सिटी आ गई, अभी अपन अब्दुल लगन सिटी के बाईपास पे चल रहे हैं। ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं, ये अब्दुल लगन सिटी की रोड गई है, और ये पूरी रोड अभी तक तो काफ़ी बहुत शानदार है, मतलब कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं, ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ मंडी द्वीप के बाद हमें ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा, बट क्या अभी तो इतना लोकल्स के ट्रैफिक, मतलब हल्की फुल्की ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है। चलिए चलते हैं। ये आ गया भाई आज के दिन का अपना पहला टोल, अब्दुल्लागंज वाला टोल प्लाजा। तो यहाँ मतलब आज के दिन अपने टोटल शायद 2 से 3 टोल कटना चाहिए जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बाकी लेट्स ही देखते हैं कितना क्या कटता है। तो चलिए चलते हैं। बोला था ना आपको कि मंडी जी के बाद अच्छा तगड़ा ट्रैफिक मिलने वाला है, अपन भाई फुल लागिन बने पड़े, लेफ्ट राइट, मतलब यार इस रोड मतलब मंडी जी के बाद यहाँ पे अच्छा खासा आपको ट्रैफिक देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं सामने तगड़ा ट्रैफिक, मतलब कार्स का, ट्रक का, बस का, लोकल्स का, सबका ही ट्रैफिक मिलता है अपने को यहाँ पे। वैसे ही यहाँ हल्का सा कॉन्शियस होके आपको ड्राइविंग करना पड़ता है। तो चलिए कर चलते हैं। होशंगाबाद भोपाल वाला रोड था उसको अपन ने छोड़ दिया है, और अब अपन इधर दूसरे मतलब भोपाल बाईपास वाले रोड पे आ गए। तो अब यहाँ से 4-5 किलोमीटर बाद हमें राइट लेना है टुवर्ड्स रायसेन। तो अब मैं चलो आपको बता देता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सांची स्तूपा, जो कि एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, काफ़ी मस्त प्लेस है। चलिए वहाँ पे अपन चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं आज। चलिए चलते हैं। आज के दिन का अपना दूसरा टोल भी आ गया है, तो ये भी अपना टोल, हाँ यहाँ खाली है लाइन, यहाँ डाल देते हैं। तो चलिए इसको पे करते हैं और चलते हैं आगे सांची की तरफ। ये भोपाल बाईपास की रोड कंडीशन तो अपन जिस रोड से भी चले ना, होशंगाबाद भोपाल वाले रोड से, उससे भी काफी मस्त रोड है, मतलब ऐसा लग रहा है रिसेंटली बनी हुई है, डामर की रोड है पूरी वो, मतलब एक बम्प भी नहीं यार इस रोड में, बहुत ही मस्त रोड है। तो चलिए थोड़े बहुत किलोमीटर बाद हमें राइट मोड़ना है रायसेन रोड पे। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको रायसेन रोड कैसी है। ये लिखा ऊपर रायसेन भोपाल कोटा, इसी रोड से हमें रायसेन जाना है। तो चलिए चलते हैं। अपन मुड़ चुके हैं रायसेन रोड पे, तो ये अपनी रायसेन रोड अब स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं इस रोड की कंडीशन कैसी क्या है। टोल रोड्स तो लिखा है यहाँ पे, अब टोल रोड की कंडीशन देखना बनता है भाई, कंडीशन कैसी क्या है। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ जिसने यदि अभी तक एक बार भी सोलो ट्रिप नहीं करी ना, यदि एक बार करके देखना आप, मतलब सीरियसली बहुत मज़ा आता है। आप अकेले रहते हो, मतलब जहाँ आपकी मर्जी वहाँ रुको, जैसे आपको गाने चलाने वैसे गाने चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अपने मन के मर्जी के मालिक रहते हैं। मतलब एक बार आप बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा, इससे बहुत मजा आएगा। Keep right onto Bhopal Raisen Road. हाँ भोपाल रायसेन रोड में हमें मर्ज होना है। चलिए चलते हैं। तो भाई एक और टोल आ चुका है अपना, ये सेहतगंज टोल प्लाजा यार। बट एक चीज मुझे बताओ, ये 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा वाला सिस्टम तो अप्लाई है ना, तो ये 60 किलोमीटर कहाँ चले, अभी तो हम चले ही कुल 86 किलोमीटर रहते हैं, हमारे 3 टोल कट गए। ये क्या सिस्टम भाई, ये इस पर कुछ रिसर्च करना पड़ेगा कि यार ये वाला टोल कैसे चल रहा है। बहुत शानदार है यार इस रोड का, कुछ भी कहो। देखो सामने पहाड़ है, एक नंबर व्यूज दिख रहा है, दो ही
साइड मतलब भाई कुत्ता बच गया। ये होता है भाई जब स्पीड में रहो ना आप, मतलब बिल्कुल लाइव दिखाया आपको ये जो एमपी में। चलो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये तो कोई देख रही गाय एकदम चलते चलते कभी भी रोड पे आ सकते हैं, तो कुत्ता भी रोड पे आया ना वैसे ही चलते चलते कभी भी किसी भी टाइम रोड पे आ सकती है। इसलिए भाई एमपी में तो आपको बहुत कॉन्शियसली ड्राइव करना है, कुछ भी कभी भी कोई भी मतलब कहीं से भी जाता है कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए भाई यहाँ चलो तो बिल्कुल चारों तीनों आंखें जितनी भी हैं आपकी दोनों तीनों सब खोल के चलना आपको। मतलब पहाड़ काट के रोड बनाया है, मतलब बहुत ही मस्त भाई। एक चीज तो है, ये रोड पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और व्यू बहुत शानदार आ रहा है इस रोड पे, कुछ भी कहो। इन 1 किलोमीटर कीप राइट ऑन टू भोपाल रायसेन रोड। जस्ट अब भी रायसेन सिटी क्रॉस करी और रायसेन सिटी क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक मतलब बिल्कुल ही कम हो गया और व्यूज देखो भाई पहाड़ों का इतना मस्त व्यू आ रहा है, ये देखो बहुत ही अमेजिंग amazing view. ट्रक को क्या हुआ देखना गजब खतरनाक कंडीशन में था वो। कोई सा फोर्ट है रायसेन फोर्ट, मेरे को कंफर्म नहीं है, देखो यहाँ आसपास से हो भोपाल के आसपास है तो बताना कमेंट में। ये शायद देखो पेड़ आ गया अभी तो, ये देखो ये शायद जहाँ तक मुझे लग रहा फोर्ट है ये कोई सा, अब कौन सा शायद रायसेन फोर्ट ही है या पता नहीं क्या है, क्योंकि तो ऊपर स्ट्रक्चर तो बना हुआ है फोर्ट जैसा ही और वहाँ से जाने का रास्ता भी है, पता नहीं क्या अच्छा बड़ा सा किला है मतलब वो जो भी है। तो जो भी हो यहाँ आसपास से वो कमेंट करना। पीछे इंटरसेप्टर खड़ा था उसको देखकर तुरंत मैंने स्पीड स्लो करी, मतलब शायद यहाँ पे लिखा भी नहीं कि मतलब स्पीड लिमिट क्या है, मैं चल रहा 80-90 मतलब 90 के तो ऊपर ही था मतलब गाड़ी की स्पीड, क्योंकि पूरी रोड खाली थी। एकदम सामने इंटरसेप्टर मैंने देख के तुरंत ब्रेक लगाया, मतलब बज गए तब भी 1000 रुपये का फटका बैठे बैठे का लग जाता। चलो खैर सही है, आने वाला सांची आने वाला है, एक क्रेटा वाले को पकड़ लिया था उन्होंने, वो स्पीड में जा रहा था क्रेटा वाले को पकड़ लिया था। चलो खैर चलते हैं कितना क्या बचा देखते हैं। या चुके हैं सांची और अब यहाँ से मुड़ रहे हैं राइट टुवर्ड सांची स्तूप। तो भाई अपन पहुंच चुके हैं सांची स्तूप, तो इस वीडियो को अपन करते हैं यहीं पे एंड, अब करेंगे इस वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट हम, तो इसको देखने के लिए आपको थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।